हेलो दोस्तों, आज हम फ्रांसिस बेकन के फेमस फेमस एसे ऑफ स्टडीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों आइए, ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन एक प्रसिद्ध एसेज राइटर था। तो फ्रांसिस बेकन का जन्म 1561 में हुआ और इनकी मृत्यु 1626 में, यानी कि 1561 से 1626 तक इनका जीवन काल रहा। तो फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज इनका एक एसेज है कि इसमें किताबों को कि कैसे पढ़ा जाए, कौन सी किताबें कैसी होती हैं, इस प्रकार से इसके बारे में दिया गया है। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, कि बेकन के अनुसार पुस्तकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, हाउ शुड दे बी स्टडीज, और उनका अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कि इन हिज एसेज एंटाइटल ऑफ स्टडीज बेकन इन हिज एसे इंटाइटल ऑफ एसे ऑफ स्टडी बेकन से इस प्रस्तुत एसेज ऑफ स्टडीज में बेकन कहता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कि कुछ पुस्तकें के टेस्ट करने के लिए होती हैं केवल, और अदर टू बी सेलोड एंड सम फ्यू टू बी चेव्ड एंड डाइजेस्ट, और कुछ पुस्तकें सेवल्ड यानी कि निगलने के लिए, और सम फ्यू और कुछ पुस्तकें चेव्ड चमादे के लिए और कुछ पचाने के लिए होती हैं। तो दस इस प्रकार से बेकन डिवाइड्स बुक इनटू द फॉलोइंग थ्री मेन कैटेगरीज। तो इस प्रकार से फ्रांसिस बेकन पुस्तकों को तीन मुख्य कैटेगरी में बांट देता है, तीन मेन कैटेगरी में बांट देता है। तो बुक्स टू बी टेस्टेड, पहला है बुक्स को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो देयर आर सम बुक्स विच आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, कि कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण नहीं होती है, कि कुछ पुस्तकें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वी रीड सच बुक्स आउट ऑफ क्यूरियसिटी एंड नॉट सो मच फॉर यूटिलिटी, कि कुछ पुस्तकों को आउट ऑफ क्यूरिसिटी ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता है, नॉट सो मच फॉर यूटिलिटी, उसकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती है। वी गिव ओनली कर्सरी सर्सरी रीडिंग टू दीज बुक्स, तो उनका उनका ऊपर ऊपर से सर्सरी अध्ययन किया जाता है। वी रीड देम हियर, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं और एंड देयर टू फाइंड आउट व्हाट दे कंटेन, और हम पाते हैं कि उनमें क्या निहित हैं, इसके बारे में हम पाते हैं। यह है पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है किताबों का बुक्स टू बी सेलोड, यानी कि पुस्तकों को कि कौन सी पुस्तकों को निगलना चाहिए। तो दोस्तों देयर आर सम बुक्स विच आर टू बी रीड इन फुली फुली दो नॉट क्रिटिकली, कि कुछ पुस्तकें विच जिसमें आर टू बी रीड इन फुली, जिसमें पूरी तरह से पढ़ा जाता है, दो यद्यपि नॉट क्रिटिकली, जिसमें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। सच बुक्स आर नॉट मेन फॉर डीप एंड क्रिटिकली स्टडी, सच जैसे कि किताबों में मेनली फॉर डीप गहराई से और क्रिटिकल स्टडी और उसके आलोचनात्मक टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। अगला प्रकार है किताबों का, देखते हैं हम। बुक्स टू बी चेव्ड की पुस्तकों को कैसे चबाने वाली पुस्तकें और पचाने वाली। तो देखते हैं कि देयर आर सम बुक्स विच शुड बी वेरी थ्रूली स्टडी विथ अटेंशन,
कि कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं कि देयर आर सम बुक्स जो थ्रूली जिसका गहन अध्ययन किया जाता है और विद अटेंशन बिल्कुल ध्यान पूर्वक और मिनटलेस यानी कि ध्यान पूर्वक और मिनटलेस मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल बिना समय गवाए अध्ययन किया जाता है। वी शुड स्टडी इन डिटेल एवरी वर्ड्स रेफरेंस एंड एलुजन इन दीज बुक्स। हमें अध्ययन करना चाहिए इनके बारे में डिटेल एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द की पूरी जानकारी रेफरेंस यानी कि उसके संदर्भ में एलुजन और उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। दीज शुड बी स्टडीड डेलीजेंटली एंड मोस्ट अटेंसिवली यानी कि इसका अध्ययन बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक एंड मोस्ट अटेंसिवली यानी कि बिल्कुल ध्यान रखकर किया जाता है। देयर आर सम अन इम्पोर्टेंट मैनर सॉर्ट ऑफ बुक्स कि यहाँ पर कुछ पुस्तकें जिनका महत्व तो नहीं होता है। सॉर्ट ऑफ बुक्स छोटी पुस्तकें होती हैं। दीज मे बी रीड बाई असिस्टेंट्स जिसको किसी सहायक के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। दे मे नोट डाउन इम्पोर्टेंट दे मे नोट डाउन इम्पोर्टेंट और हम कुछ नोट भी बना सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं आर्ग्यूमेंट तर्क कर सकते हैं ए पैसेज और पैसेज बनाकर भी अध्ययन कर सकते हैं फॉर अस हमें एंड वी रीड दिस आर्ग्यूमेंट एंड पैसेज ओनली। हमें केवल पैसेज का अध्ययन करना चाहिए और आर्ग्यूमेंट और तर्क तर्क के बारे में अध्ययन पढ़ना चाहिए। देर आर सर्टेन बुक्स वहाँ पर कुछ निश्चित पुस्तकें होते हैं विच मे बी रीड इन समरीज और एवरीडेज एडिशंस की विच मे बी रीड इन उसका सारांश का अध्ययन करना चाहिए। समरीज सारांश और एवरीडेज एडिशन उसके नवीनतम संस्करण के बारे में ध्यान रखना चाहिए। दस इस प्रकार से बेकन कहता है कि दैट डिफरेंट बुक्स मे बी रीड इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू दियर इम्पोर्टेंस फॉर फॉर अस यानी कि इस प्रकार से बेकन कहता है कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को विभिन्न प्रकार के वे मतलब तरीके वे का मतलब होता है दोस्तों तरीके तरीके तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यह है पुस्तकों के प्रकार के बारे में दोस्तों कि पुस्तकों को कैसे अध्ययन किया जाता है। यह पहला क्वेश्चन का पूरा नोट्स हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चंस हैं अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द बेकन आर डिफरेंट यूज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग कि बेकन के अनुसार पुस्तकों को पढ़ने के अलग अलग यूज उपयोग राइटिंग और लिखने के और प्रकार बोलने के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं तो इसको बारे में हम देखते हैं दोस्तों कि द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द रीडिंग बुक्स इज दैट इज मैन बिकम्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कि महान सबसे बड़ा लाभ तो यह है पुस्तकों को पढ़ने का कि कोई भी आदमी फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी कि वह जानकारियों से पूर्ण हो जाता है। ही एक्वायर उसकी आवश्यक जानकारी एंड अंडरस्टैंडिंग और उनकी समझ टू बी वेरियस थिंग्स यह विभिन्न प्रकार की होती हैं। बाई रीडिंग बुक्स पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा ही ऑब्टेन वह प्राप्त करता है नॉलेज जानकारी को प्राप्त करता है एंड नॉलेज इज पावर ऑफ द बेस्ट टाइप्स और
नॉलेज एक प्रकार का, नॉलेज इज ए बेस्ट पावर ऑफ द बेस्ट टाइप, यह शक्ति का एक अच्छा तरीका होता है। ए वेल इन्फॉर्म्ड मैन हैज ए डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर ए मैन ऑफ मेयर एक्सपीरियंस। ए वेल एक अच्छा जानकारी वाला व्यक्ति को एक लाभ हो सकता है, और मैन ऑफ द मेयर एक्सपीरियंस, और उनके अनुभव में भी वृद्धि हो सकती है। द प्रॉपर कल्टीवेशन डेवलपमेंट, और उसका कल्टीवेशन यानी कि प्रॉपर उचित उचित कल्टीवेशन डेवलपमेंट विकास होता है वंस पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन वंस नॉलेज एंड वेरियस थिंग्स, और उनकी विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी भी वृद्धि होती है, और उनकी पर्सनैलिटी में भी सुधार होता है। इस प्रकार अगला है, यह तो है दोस्तों रीडिंग के बारे में कि रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। दूसरा देखते हैं हम राइटिंग के बारे में, फिर स्पीकिंग के बारे में देखते हैं। तो राइटिंग से क्या फ़ायदे होते हैं? तो राइटिंग मेक्स अस प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इन आवर थॉट एंड एक्सप्रेशन। राइटिंग से प्रीसियस मतलब कि सुधार होता है, एंड एग्जैक्ट आवर थॉट और अपने विचारों, एंड एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्ति में सुधार होता है। वाइल राइटिंग जबकि राइटिंग वी हैव टू लुक फॉर ए क्लियर एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग, और हमारी भावनाओं को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्त करने में काम आते हैं। क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से। ईयर्स ऑफ टॉयल एंड फेलियर गो इन टू द मेकिंग ऑफ ए ग्रेट राइटर, कि बहुत से असफल व्यक्ति भी राइटर मतलब कि राइटिंग के माध्यम से महान राइटर बने हुए हैं। राइटिंग इज एन आर्ट टू बी लर्न्ड बाय ए स्लो एंड एंड्रोस प्रोसेस, यानी कि राइटिंग एक प्रकार की कला होती है जिसके माध्यम से सीखा जाता है, स्लो धीरे धीरे सीखा जाता है, एडोस प्रोसेस, और यह एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इफ यदि वन सेट्स अबाउट इट अर्नेस्टली, इफ यदि वन सेट्स अबाउट इट अर्नेस्टली, कि यदि हम एक समूह के द्वारा अर्नेस्टली कमाया जाता है, वन विल अक्वायर एग्जैक्टनेस एंड प्रिसाइजन, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार एग्जैक्ट मतलब उचित एंड प्रिसाइज किया जाता है। कॉन्फ्रेंस डिस्कशन एंड स्पीकिंग, अब हम देखते हैं कि स्पीकिंग के बारे में क्या संदर्भ में लिखा है। तो कॉन्फ्रेंस डिस्कशन एंड स्पीकिंग मेक ए मैन कैपेबल टू गिविंग प्रमोट रिप्लाई। हमें स्पीकिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस बोलने के माध्यम से हम किसी भी चीज़ का उत्तर देने के लिए कैपेबल है यानी कि योग्य होते हैं। कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस का मतलब बातचीत के द्वारा हम मेक्स वन ए रीडिंग मैन, एक व्यक्ति अच्छा पाठक बनता है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक व्यक्ति अच्छा पाठक बनता है। टॉकिंग्स एंड स्पीकिंग डेवलप आवर विट, बोलना इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे बोलने तथा हमारी बुद्धि में वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है। इट इनेबल अस टू गिव प्रमोट रिप्लाई, यह हमें उत्तर देने के लिए तैयार करते हैं। बेकन इसलिए कहता है रीडिंग मेक्ड ए फुल मैन, यह इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों कि रीडिंग मेक्ड ए फुल मैन, एक व्यक्ति को फुल यानी संपूर्ण पूर्ण बनाते हैं। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, वो कॉन्फ्रेंस एक व्यक्ति को तैयार करती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग एक व्यक्ति को एग्जैक्ट बनाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह दो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन है जिसको अगले
अगले पार्ट में बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और जिसकी भी आपको जिस नोट्स की आवश्यकता है तो आप यह BA लेवल के सभी किसी न किसी पार्ट में हैं, तो आप इसको समझे, और आपको यदि कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।